शैताती है मस्ती हवा जब आती है सुई चुभाती जाती है नदिया के पानी ने चुभा ऐसे बताऊ क्या हुआ कोयलिया नदी है गोलियों से बदल अब कदम अपना आगे वर्दीदार हम वर्दी की इज्जत करते हैं बहुत इज्जत करते हैं ये वर्दी हमारे भारत देश की आन बान शान होती है वर्दी हमारे भारत देश की शान बान आन है कुत्ते इसे उतार क्योंकि इसमें वर्दी का कोई कसर नहीं इंसाफ की वर्दी किसी शैतान को पहना दी जाए तो वो शैतान शैतान ही रहता है वर्दे उतार वर्दे उतार हमका आकर छुटौती करवावे जाए कहां आराम जादे लोग शादी कराने जाते तुम साले बेकार निपट ना रहा उधर घड़ी ना ले भैया घड़ी ना ले हमें ड्यूटी टाइम से जाना है अरे टेम तुम्हारा जो आए गवा है टेम तुम्हारा आए गवा घड़ी ला मेहरुआ कात्रा है मेहरुआ कात्रा राम सलग में अलग जायो तो हमरे बुद्ध के घड़ी ला तब तुम से बात कर कल फोन करें तो बातों नहीं करी फोन पर बात आए भाई क्या बात करा दो हाँ देखो महिमा लग नहीं दे फरमा की रहा ओ सोना चिमटी मिलिट्री जनता बांस वहां रखा हरा हरा बांस कटा रखा है उसे पे लटके चाओगे हमरा हुकुम से बने फाटा साले के इधर आओ चीरे बघारे पांच बना भैया ठंड ओ मारो ना यार भैया आए लॉकडाउन में है खाई खाना पाई इतना देखो तुम्हारा ही गवा चल साले हाथी से ज्यादा मोटा है पर इधर आओ एक बात बताओ हमारे पिता रामचरण का खून किसने किया बिल्कुल 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 इससे पूछताछ करो ना बोल बोल खून किसने किया था हमारे पिता रामचरण का सूरजा माता से आए पता नहीं कैसे पूछ रहे हैं सिंह ने खून किया लेकिन
तूने कितनी रिश्वत लिया था मुझे फंसाने के लिए? हमरे पिता के खून खेल जाम में मुझे फंसाने के लिए बोल कितने? याद नहीं है? तूने गिना नहीं था? गिने नहीं थे? अच्छा, जाकर के संदूक में बंद कर दिए थे। संदूक में बंद कर दिया? हराम जादा! साला मर गया एक दुश्मन। साला बड़ा पहला इंस्पेक्टर करमचंद, इंस्पेक्टर करमचंद, चौकीदार कहां मर गया रे? साहेब, 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 डाकुओं का गिरोह में साहब मर गए। इंस्पेक्टर भवानी सिंह डाकुओं की मुठभेड़ में मारा गया। हाँ, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चौकीदार, चौकीदार, तुम सब हमारे साथ चंबल घाट की तरफ प्रस्थान करो। आज एक भी डाकू बचकर नहीं जाना चाहिए। आइए कमांड। सूरज, सूरज तेरा जो मत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आज तू मेरी गोली का शिकार बन के ही रहेगा। आ रहा हूं तो मेरा दोस्त जिद्दी है, मानने वाला नहीं है। आज से हमने भी सच्चाई बता दी थी। सूरज, बहुत हो गया कानून से लुक्का छिपी का खेल। अपने को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। अगर तेरी ही जीत है तो ले मेरे हाथ में हथियार लगा के कसला खाके बीच में डाल दे, ताकि हमें फांसी हो जाए और तू हंसते हंसते हमारी मौत देख ले। एक ही मरने से पहले एक सच्चाई मुझसे जान ले। कौन सी सच्चाई? आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है? जब तूने अपने माता पिता को मिटा दिया तो तुझसे नीच और तुझसे गिरा हुआ इंसान खरे इंसान के माता पिता दो होते। हमारे माता पिता चार होते हुए भी एक हम खूनी और कातिल है। सूरज, तेरा दिमाग खराब हो गया है। डाकू ज्वाला के कैंप में जाकर नशीले चीजों का सेवन करने के बाद तेरा दिमाग
खराब हो चुका है। हर इंसान के दो माँ बाप होते हैं, ये चार माँ बाप की बात हमारे भेजे में नहीं पड़ रही, तुम्हारे नहीं पड़ेगी। हम बताते हैं, हम रामचरण का बेटा नहीं। नहीं, तू झूठ बोलता है। सच कहता हूँ मैं ही नहीं, ये सारा गांव जानता है कि तू रामचरण का बेटा है। जब मैं कॉलेज में तेरे साथ पढ़ता था तो तेरे नाम के आगे रामचरण का नाम लिखा था। यही तो सच्चाई है कि आखिर हमारा नाम क्यों लिखा गया और उनके पास कैसे गया। मैं महाराज विजय सिंह का बेटा हूँ। विजय सिंह का? हाँ, ठाकुर प्रताप सिंह हमारे यहाँ राज का एक महामंत्री था। जिस दिन हमारा चलम हुआ था, राज दरबार में खुशियां मनाई जा रही थी और ये विमला माँ हमारे राज की एक दासी थी हमारे यहाँ, और इधर माँ विमला माँ ने हमें अपने गोदी में लेके हमें स्नान करवाने गई थी। इतने में ठाकुर प्रताप सिंह हमारे माता पिता को मार दिया, और विमला माँ ने देखा कि जब मंत्री ने माता पिता को इसके मार दिया है तो मुझे अपने गोदी में लेके और अपने घर लेके आएंगे। लेकिन सूरज, हाँ, ये सच्चाई तुझे कैसे पता लगी? आखिर किस सबूत के आधार पे तू महाराज विजय सिंह का बेटा साबित होगा? हमने अपने पिता रामचरण का खून नहीं किया था, खून करने वाला ठाकुर प्रताप सिंह किया था। और उसके बाद अरुण ने क्या किया, उनका बेटा विमला माँ को मार दिया। लेकिन सूरज, और लोकअप से जब मैं भागा था तो तुरंत उनके हवेली में गया, लेकिन दरिंदों ने पहले ही मेरी बहन को उसने बंदी बना लिया था। और जब हवेली में पहुंच गया तो हमें रस्सों में जकड़ लिया और कहा अगर पुलिस के सामने सूरज तुम गुनाह एक बार नहीं करोगे तो जानते हो तुम्हारी बहन की हम अपने बेटे से इज्जत रखता। लेकिन निर्मला है कहाँ? निर्मला हमारे पास है। कहाँ है निर्मला? निर्मला निर्मला आज मैं क्या देख रहा हूं, ये गांव की भोली भाली वही निर्मला है जिससे मैं वादा करके गया था लौटने के बाद अपनी शादी रचाऊंगा, और आज मेरे सामने आई भी तो एक डाकू बागी के लिबास में। लेकिन निर्मला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उन दरिंदों ने तुम्हारे साथ में जाती किया है। लेकिन मैं उन कुत्तों को नहीं छोड़ूंगा। सूरज, बचपन से लेकर आज तक मैं यही एक बात कहता चलाया हूँ, हमारे तेरे जिस दो है लेकिन जान एक है। आज वो वक्त आ चुका है ये साबित कर दिखाने का, हमारे तेरे जिस दो है लेकिन जान एक है। जो तेरा कम है वो मेरा कम है, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। फिर चलो आज इसी पग पढ़ाओ पैगाम प्रताप सिंह की हमेली की तरफ, उसकी हमेली से ईंट से आया। अभी यार कोई यू नहीं हो तो मौका बढ़िया था, उससे ना काला गुस्सा लागी रही। हाँ, अब कोई है नहीं, अब मौत तड़ी तड़ी हमार जवानी मारी अल्लाह रही। ए रतिया सना ना ना हो होने लगे। हाँ, हाँ, तो मलिक अपन मन में जो है तनी गाली तो भर जाते हैं मलिक साले उल्लू के पट्टे। इसका मतलब जब हम लोग चौपाल पे नहीं होते हैं तो तुम समय व्यतीत करने के लिए मनोरंजन किया करते हो। चलो जाओ साले भैंसिया लगाओ, जाकर के काम धाम देखो। ¡Vamos!
कहते हैं कपड़ा करके यही सारा कपड़ा चुआ रहा है कपड़ा मंगता कपड़ा चुआर नहीं यही सारा है मंगता ये सब तुझे लेडीज दिखाई दे रहा है जब कपड़ा ले ले आओ तब अब कहां जा दो अब जाई दो जा दे मैं जाई दो अभी बताता हूं आज ये पुलिस व डाकू का संगम देखकर हैरत में पड़ गए होंगे मुझे नहीं जानते हो यही यही लुटिया चौरन संग तुम कैसे मुझे नहीं पहचाना याद कर वो दिन जिस दिन रामचरण की छोकरी पे गया था लगान वसूल करने के लिए सूरज राठौर रहीमाबाद की तरफ से कहते हैं इनका हत्ता भैया मारो कि लाल लाल हो जाए सूरज ठौर बात खराब हो जाए राठौर है राठौर राठौर है हो वो राठौर बता रहा था ठौर बता रहे साले राठौर पूछ ले उस कायदे राठौर है कि तेली है ना तेली हो चाहे चपोली हो और जब पैसा दे के मरवाई है तो यहाँ घर तेरे खिबा तेरे ऊपर तक का प्यार कहले ठगोर प्यार कहले जाए रे घर महामंत्री प्रताप सिंह हेलो यागे सूरज राठौर रहीमाबाद की तरफ से कहते हैं यही का तो लाओ रात भर बड़ी गुंडाई करी से है एक तुम भैया कैसे जानते हो मंत्री प्रताप सिंह का एक बार बताओ आज के 18 साल पहले मिर्जापुर रियासत का महाराज कौन था हम रहन प्रताप सिंह शायद तुम लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई हो याद नहीं आ रहा है याद नहीं है भैया वो हमारी याददाश्त वाली मशीन लाओ जो हमारे मोदी साहब ने यूज़ किया है भैया कोई ऐसी भी मशीन है जो दिमाग से सीधे कांटेक्ट करती है इसका सीधा दिमाग से कांटेक्ट है हाँ जी हाँ यादगारी वाली ये काली काली चूड़ियां है सूरज इसको पकड़ो साल इसके ऊपर बैठाओ तुम बनाए रहे हो याद आया कुछ याद आएगा महाराज थे महाराज थे हाँ अब नहीं है अब नहीं है कहाँ है कहाँ गए चुक गए चुक गए खत्म हो गए इंसान मर जाता है खत्म हो जाता है ये इंसान चुकने कब से लगा रहे मारी गए कैसे मर गए वो भैया ऐसा हुआ हाँ। एक बार महाराज के वहां सूखा पड़ गया था अच्छा किसान सब परेशान थे
राजधानी में अनाज की कमी आ गई। अच्छा, इसलिए महाराज ने कहा कि तुम यूपी चले जाओ। तुम यूपी चले गए। यूपी में उनके दोस्त रहते थे। अच्छा, कहा उनसे थोड़ी मदद मांगते हैं और थोड़ा अनाज वहाँ से उठवा लाओ। उसका वहाँ से हम चले आए, उसके बाद वहाँ एकदम हैजे की बीमारी आ गई। अच्छा, हैजे की बीमारी में महाराज मर गए। बीमारी में मर गए। मर गए तो फिर महाराज का पद राजमाता को मिला जाता। राजमाता? राजमाता थी नहीं, वो भी महाराज के प्रयोग में मर गई है। अच्छा, शायद अभी और कोई उत्तराधिकारी था नहीं, इसलिए हम यहाँ के महाराज हो गए। उनके एक बेटा तो था, बेटे का जन्म हुआ था। हुआ था। फिर वो कहाँ गया? हुआ था। हाँ तो वो हमको नहीं दिखाई पड़ा कहीं। तुम्हें नहीं दिखाई देता? हराम जादा। मरते समय सच्चाई बता दे अपने बेटे से। शायद अभी इसको याद नहीं आया, वो दोबारा हमारी मशीन लाओ। याद आ गया? मशीन बिठा हुए रख दो, मशीन हुए रख दो, हमका याद आएगा। महाराज का मार डाले रहना। मार डाला था? मार डाले रहना। किस लिए? राज के लालच में। कहा बताए हो? राज के लालच में हम महाराज को मार डाले। तोरी बदी कैसा रहा सब कुछ करना है? अगर महाराज को मारे ना होए थे तो चलो भट्टा पर ईंटें ढोवत होती। महाराज के मार डाले हो? इतने अच्छे महाराज थे, ईटे पाती थे भट्टा पर, मगर आज यहाँ नौबत आया हुआ जाने आई भैया। ये महाराज का मारे से भैया हम क्या छोड़ दे पप्पा की पूछ। अच्छा देखे जाने भी? ये तुझे गाली दे रहा है? ये लड़का है हमारा। लड़का है या अट्टा बड़ा कर रहा है? तभी की मातारी का छोड़ के चली गई रहे, का सारी तब तक सेवा हम कहीं रह रहा है। छोड़ कर कहाँ चली गई थे? मरी गई रहा है। तो बता तू चली गई? अट्टा बड़ा का ये उजार रहा है, इका अपन दूध पियाई के रची आया ना है। साले अपना दूध? अपने हाथों से दूध पिया? अपने हाथों से अंगूरी पकड़ के सारे का चलाई के सिखाया ना है। अब आज जो हम का कर आए रहा है आप यार राजपाट हम छोड़ चले जाइबा तो ईटा पर भट्टा पाथे भी जाए। ईटा पर भट्टा पाथोगे? घबराया ना रे। या भट्टे पे ईटा पाथोगे? घबराया ना, ठेला ले लेने को ठेला। ठहरो, ठेला तो बाद में लगाओगे जब ठेला लगाने के लायक रहोगे। माना कि महाराज विजय सिंह का खून राजपाट के लालच में कर दिया। हम लोग नहीं मानते, हम लोग सब्जी बेच ले अब्बा जाए। लेकिन एक बात बता, वह गरीब रामचरण, उसके पास कौन सी जागीर थी, कौन सी दौलत थी जिसको पाने के लिए रामचरण का खून किया था? राजू है राजू। कैसा राज? चुप्पे वाली बात है। हाँ बोल 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 बोल। चुप्पे वाली बात है, कोई तो बतायो ना। हाँ बताएंगे ना। उनका जो लड़का सूरज रहा है। अच्छा, वो हमारी लौलिया तेने प्यार कराए लाग रहा है। अच्छा, यही हमका बताई नहीं आई ये हम कहन हम ठाकुर वो सारा सूदू। अच्छा, साले उल्लू के पट्टे, इसका मतलब सूरत तेरी लड़की से मोहब्बत किया हे बदकई इसी के जरिए हे बदकई रामचंद्र का मौत डर। अच्छा हाँ, और यहू यहू यही का जानते हो तुम सीधा? अच्छा, तुम जानते हो कहाँ करी से है? क्या वही की महतारी के सूरज के लिए यहाई मारी से है? क्यों रे? अब यहाई 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 निर्मला के लिए इज्जत लूटी थी यहू सा। तो मेरे बाप को और किया है बाप का।